हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज मेरे पास है ग्लिसरीन, जो कि आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। और साथ ही मेरे पास है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा भी लोग कहते हैं, ये भी आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। तो गाइस, आइडिया ये है कि इन दोनों को आज मिक्स करके देखने वाले हैं, इन दोनों को मिक्स करने पर क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जो भी चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, आज मेरे पास आ गया है पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसे इस लकड़ी के टुकड़े पर कुछ इस तरह से रखते हैं, इतना काफी है। अब इसे साइड रखते हैं और ये रहा ग्लिसरीन। अब इसे इसमें डालते हैं कुछ इस तरह से। अब देखते हैं क्या होता है। ओ गाइस, अब देख, ओ गाइस, आप देख सकते हैं किस तरह से ये जला, बिना माचिस का आग जल गया। आप देख सकते हैं बिना माचिस का आग जलाना कितना आसान हो गया। लेकिन गाइस, आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई मत कीजिएगा, इसमें खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो गाइज, आपने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है। तो चलिए एक बार और इसे ट्राई करते हैं। इसको थोड़ा साइड करते हैं। तो गाइज, एक बार और ट्राई करना बनता है। यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा और पोटेशियम परमैंगनेट कुछ इस तरह से, इतना काफ़ी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। इतना काफ़ी है। अब इसमें डालते हैं ग्लिसरीन। गाइज, आप देख सकते हैं कि पानी ऐड करने के बावजूद भी यह कितना तेज जला। इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, इन दोनों का मिक्सचर। इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी तेज रिएक्शन होती है, देख सकते हैं कितनी आवाज़ कर रही है, आप सुन सकते हैं। तो गाइज, आपने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन को आपस में मिलाने पर क्या होता है। आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई मत कीजिएगा, इसमें खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।